आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज सच का पहरेदार। खबर जनपद अलीगढ़ से है, जहां थाना लोधी निवासी 19 वर्षीय रिहाना कायमगंज के गांव सलेमपुर टिलिया निवासी विकास कुमार राजपूत के साथ नोएडा के एक बल्ब बनाने वाले कारखाने में काम करती थी। वहां दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और दोनों ने घर वालों को बिना बताए शादी कर ली। नोएडा से कायमगंज आ गए रहने वाले। अच्छा, जो आज जो तुमने शादी की है तो क्या सहमति है तुम्हारी शादी करने में? तो माँ बाप तुम्हारे साथ में है ना? प्रेमी जोड़े ने हिंजाम नेता प्रदीप सक्सेना से मदद मांगी। इस पर प्रदीप ने घसिया चिलौली स्थित बड़ी देवी मंदिर में दोनों की शादी करा दी। मैं काम करता था, ये टिलिया सलेमपुर कायमगंज का है। अच्छा, ये लड़की भी वहीं रहती है, वैसे रहने वाली इसके लड़की के माँ बाप जो हैं अलीगढ़ के हैं और ये दिल्ली में रहते थे। तो इन दोनों में आपसी में प्रेम संबंध हो गए, जिसपे लड़की के माता पिता राजी नहीं थे, इधर लड़का के माँ बाप भी राजी नहीं थे। ये लोग आज वहाँ से भाग के चले आए। अब आके इन्होंने किसी ने कह दिया वहाँ हिंदू धर्म चला रहा है, चले जाइए। आए हमसे कहा तो हमने अपने माँ बाप से कह दिया कि शादी वो कराए। तो ये बोले तो फिर हम जहर खा लेंगे, हम आपके यहाँ आए हमारी शादी कराओ। हम भाले गए, उन्होंने अपने आधार और सब दिखाया कि हम भाले गए। तो हमने कह दिया ठीक है, फिर आप जाके मंदिर में शादी कर लो। फिर दोनों ने एसआई नीतू को खुद के बालिग होने के प्रमाण पत्र पेश किए। दोनों राजी खुशी अपना घर बसाने को तैयार है। फरकाबाद से पुनीत मिश्रा, पब्लिक न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज सच का पहरेदार।